खबरें देख रहे हैं आप, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से इसराइल पर करीब 200 मिसाइल्स दागी गई और इससे पश्चिमी एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है। दरअसल इसराइली सेना के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और ईरान ने अपने इस हमले को ट्रू प्रॉमिस टू नाम दिया है। और इस हमले में बताया जा रहा है कि ईरान ने यह भी कहा कि नसरुल्लाह की शहादत का ये पहला बदला है और ये तो अभी बस शुरुआत है। कुछ तस्वीरें देखिए, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां पर मिसाइल से हुए हमले की ये तस्वीरें रात के अंधेरे में आसमान में चमकती, ये कोई जुगनू या सितारे नहीं है, ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया और अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान के द्वारा किया गया इसराइल पर। और इसराइल का कहना है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस पर कहा कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी ईरान को। तो आप ये देखिए कि जब से इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर हमला किया था और इसमें चीफ की मौत और बेटी की मौत के बाद ईरान ने तुरंत एक बैठक बुलाई थी, जिनमें जो सबसे मजबूत सैन्य शक्तियां हैं उनकी बैठक बुलाई गई थी और ये कहा गया था कि अब छोड़ा नहीं जाएगा, जो हमला उसका पूरा बदला चुकता होगा। और अब देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल पर हमला हुआ है और ईरान ने 200 मिसाइलें दागी हैं। इसराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी गई। देर रात की तस्वीर आपके सामने है, जब मिसाइलें दागी गई थी और इस दौरान बहुत बड़े नुकसान की बात कही जा रही है। और बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा इन्हों हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया, जानकारी मिल रही है। और जिस तरह से 200 मिसाइल्स की एक पूरी सीरीज ईरान ने इसराइल पर उड़ेल दी, उससे काफी नुकसान की भी यहां पर जानकारी मिल रही है। अभी तक जो पूरी तस्वीरें सामने आई, इससे साफ जाहिर है कि पश्चिमी एशिया का जो तनाव है वो अब और बढ़ जाएगा। हालात संभव है कि जो काबू में होने की संभावना थी वो अब यहां पर इस इसराइल के ऊपर हुए हमले के धुएं में धुआं धुआं होती नजर आ रही है। और देर रात इसराइल पर हुए इस हमले से जुड़ी कुछ तस्वीरें और आपको दिखाएं। ये 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा दें, ये ईरान की तरफ से तेल अवीव पर एक के बाद एक मिसाइल्स की बौछार कर दी गई और इससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इसराइल में हवाई हमले का सारण बजने लगा, इसराइली नागरिकों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। ईरान के मिसाइल अटैक में कई इमारतें और स्कूल को नुकसान पहुंचा है। इसराइली सेना के मुताबिक इस हमले में कुछ लोग भी घायल हुए हैं। 8 तस्वीर आपके सामने है, जब मिसाइलों की बौछार हुई, एयरपोर्ट पर हमला किया गया, स्कूल पर हमला किया गया और यहां तक कि कई इलाकों में और भी मिसाइलें गिरी हैं। तेल अवीव टारगेट बनाया गया था और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। नसरुल्लाह की मौत का बदला इस वक्त ईरान ले रहा है, इसराइल इसका जवाब देगा। कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा नुकसान और इसका बदला ईरान से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जरूर लेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर नेतन्याहू ने साफ कहा कि भारी कीमत इसे ईरान को चुकानी होगी। हालांकि ये जो तस्वीरें 8 तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि हालात किस कदर अब बिगड़ चुके हैं, क्योंकि मिसाइलों की एक पूरी सीरीज चला दी थी ईरान ने और ईरान के पास और हिजबुल्ला के पास खास करके जो मिसाइल्स हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे आधुनिक और सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की पूरी सीरीज यहाँ मौजूद है। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। 8 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त क्या हालात इसराइल में बने हुए हैं और इसराइल पर हुए इस हमले का बदला प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेंगे, ऐसा उनका दावा है। उनका ये कहना है कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी ईरान को और ईरान के द्वारा किए गए इस हमले की जो तस्वीरें हैं, डरा देने वाली और हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। कुछ लोगों को इसमें चोट भी आई है और कई स्कूल और एयरपोर्ट्स पर भी हमले की बात सामने आई है। और अब तक जो मिसाइलों का अटैक है वो रात के अंधेरे में साफ आसमान में जुगनू की तरह चमचमाती ये मिसाइल, चूंकि काफी दूर से ये तस्वीरें ली गई हैं और पूरे आसमान में उन मिसाइल्स के गर्जना से आसमान दहल उठा और इसराइल दहल उठा। और इसके बाद जो हालात बने उसकी भी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हमले से काफी नुकसान पहुंचा है इसराइल को और इसराइल की तरफ से अब क्या तैयारी होगी, क्योंकि इसराइल ने लेबनान में ग्राउंड पर हमला किया था और ग्राउंड पर जाकर वहां मिसाइली हमले किए गए थे। और इसके बाद आप ये देखिए तस्वीरें
किस तरह से आसमान में ये चमचमाते मानो गैलेक्सी के सितारे हों, लेकिन ये सितारे नहीं बल्कि इसराइल के सितारे गर्दिश में ला देने वाली तस्वीरें हैं। तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने पश्चिम में मौजूद अपनी सेना को अलर्ट कर दिया। अमेरिका ने सैनिकों से कहा कि वो इसराइल की मदद करें, और इसराइल की मदद के लिए किसी भी वक्त अमेरिकी सेना पहुंच सकती है, जानकारी मिल रही है। और हालांकि अमेरिका ने इस पूरे मामले में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पहले इनकार किया था, लेकिन अब चूंकि उनके मित्र राष्ट्र इसराइल पर हमला हुआ है और ऐसे में इसराइल को ग्राउंड पर सपोर्ट देने के लिए अमेरिकी सेना किसी भी वक्त पहुंच सकती है, और अमेरिकी सेना के पहुंचने के बाद क्या ये हालात बदल जाएंगे और किस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, ये भी देखने का विषय होगा। चूंकि अमेरिका का यहां पर हस्तक्षेप करना और इसराइल के लिए मदद पहुंचाना पहले से ही लगभग तय था, अमेरिका के कुछ शब्द जरूर ये दिखा रहे थे कि संभव है कि ग्राउंड जीरो पर होने वाले हमले को लेकर अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच सकता है, लेकिन अब अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी है। और ये चार और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो ईरान पर हमले और उसके बाद इसराइल पर हमले किए हैं। और दरअसल यूएन में आपात बैठक हुई है इसके संबंध में, और इसराइल के साथ अमेरिका है इस बात के लिए। आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से अपने सैनिकों को अलर्ट कर दिया गया है, इसराइल को ग्राउंड पर सपोर्ट करने के लिए अपनी सेना भेजने की बात अमेरिका ने कही है, और इसके बाद अब हालात क्या और बिगड़ जाएंगे ये भी देखने का विषय होगा। ईरान के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती और कितनी बड़ी परेशानी का कारण बनेगा ये भी एक देखने का विषय होगा। इसराइल को मिलने वाले इस सपोर्ट से क्या अब ईरान पर पलटवार करेगा इसराइल, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो सैन्य शक्तियों के साथ साथ जो तकनीकी संसाधन है उसकी भी मदद कर रहा है अमेरिका। और दूसरी तरफ आपको याद होगा जब हेडक्वार्टर पर हमला किया गया था हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर, उस दौरान जब नसरल्लाह की मौत हुई थी और बेटी जैनब की मौत हुई थी, उसके बाद भी लगातार बेरूत में लेबनान के कई इलाकों में लगातार इसराइल ने हमला किया और लगातार मिसाइलें दागता रहा, जिस पर यह कहना था एक अधिकारी का कि इसलिए ये लगातार हमले हो रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ हिजबुल्लाह का जो संगठन है उसे बर्बाद कर देना है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी बचा तो दोबारा से हिजबुल्लाह को मजबूत कर देगा, इस संगठन को मजबूत कर देगा। और इसी बात से और ज्यादा बौखलाया हुआ था ईरान, और तुरंत बैठक बुलाई गई थी, सबसे मजबूत जो सैन्य शक्तियां हैं उनको तैनात किया गया और इस हमले की तैयारी की गई है। और ये माना जा रहा था, क्योंकि आशीष ईरान को भी पता था कि ये हमला इस कदर होना चाहिए कि इसराइल दोबारा आंख उठाकर ना देखे, लेकिन इसराइल एक बार फिर से हमले की तैयारी में जुट गया है, स्वाभाविक। ईरान इसराइल युद्ध पर बाइडेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, ये जो बाइडेन ने दावा किया है। इसराइल पर ईरान का हमला फेल था, बाइडेन ने कहा। और आप ये देखिए कि ईरान इसराइल युद्ध पर बाइडेन का बयान आया है, इसराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, यानी कि इसराइल को पूरा सपोर्ट अमेरिका इस वक्त कर रहा है। बाइडेन ने साफ कह दिया है इसराइल पर ईरान का हमला फेल था, और जिस तरीके से 200 मिसाइलें दागी गई हैं और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, तुरंत एक बैठक भी बुलाई गई थी, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बैठक बुलाई और उस बैठक के दौरान एक बार फिर से इसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। और आप ये देखिए कि जहां पूरे विश्व में तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष विराम की कोशिश की जा रही थी कि शांति व्यवस्था बने, शांति बने, इस तरीके का जो युद्ध हो रहा है वो खत्म हो, क्योंकि इससे आम इंसान की जान दांव पर लग जाती है, लेकिन अब ये जो युद्ध शुरू हुआ है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पूरा हमला कोई अप्रत्याशित था, इसराइल को कहीं ना कहीं इस बात की वानगी थी, इस बात का भान भी था और इस बात का ज्ञान भी था कि ये ईरान और लेबनान के क्षेत्रों में जिस तरह से घुस करके हमले किए जा रहे थे उसके बाद कहीं ना कहीं पलटवार ज़रूर होगा, ये बात इसराइल को अंदर खाने ज़रूर मालूम रही होगी, हालांकि ये इतनी जल्दी होगा इस बात की संभव है कि अपेक्षा न रही हो। Terry actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and the U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel.